और भारत में राफेल आने के बाद चीन बेहद डरा हुआ है, G20 से कंपैरिजन करने में लगा हुआ है, तुलना कर रहा है, लेकिन भारत ने इतना जबरदस्त जवाब चीन को दे दिया कि चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी होगी, क्योंकि चीन की सरकारी मीडिया राफेल को लेकर जो प्रतिक्रिया दे रही है वही आज आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। भारत की धरती पर राफेल ने पहला कदम रखा ही था कि कई देशों में भूकंप सा गया, भारत के सारे दुश्मनों की नींद उड़ गई, पाकिस्तान को खौफ में आ ही गया, वहीं चीनी मीडिया में भी राफेल की खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान ने तो विश्व समुदाय से गुहार लगाई है, भारत जरूरत से ज्यादा हथियार खरीद रहा है। तो अब चीनी मीडिया राफेल की तुलना अपने G20 फाइटर जेट से करने में लगा हुआ है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत ने हाल ही में 5 राफेल फाइटर जेट हासिल किए हैं और भारत के पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने इसे चीन के G20 से ज्यादा अच्छा फाइटर जेट बताया है। चीन अपने विमान G20 को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बता रहा है और राफेल को 3री पीढ़ी का। चीनी एक्सपर्ट ने लिखा, यह बात सबको मालूम है कि फाइटर जेट में पीढ़ी का फर्क बहुत बड़ा होता है और इसकी भरपाई किसी रणनीति या संख्या बढ़ाकर नहीं की जा सकती। चीन का G20 फाइटर जेट राफेल से बहुत सुपीरियर है। जरा पहले आप G20 और राफेल की खासियत देख लीजिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा कौन आगे है और कौन पीछे पीछे है। नंबर एक, G20 18,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, जबकि राफेल एक मिनट में 60,000 की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। G20 तेज वर्षा में उड़ान भरने में सक्षम नहीं है, यानी खड़ा का खड़ा रह जाएगा, जबकि राफेल हर तरह के मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। G20 PL-15 और PL-21 मिसाइलों से लैस है, जिनकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है। राफेल में स्कल्प क्रूज मिसाइल है जो 300 से 400 किलोमीटर तक मार करने वाली है और मेटोर एयर टू एयर मिसाइल का निशाना चूकता नहीं है। माइका एयर टू एयर मिसाइलें इसे दुश्मन पर बढ़त दिलाती हैं, हैमर मिसाइलें इसे अजय बनाती हैं। G20 को लेकर चीन का दावा है कि यह 5वीं पीढ़ी का विमान है। राफेल लड़ाकू विमान 4.5 पीढ़ी का विमान है, G20 ट्विन इंजन का विमान है, राफेल भी ट्विन इंजन का विमान है। G20 की अधिकतम स्पीड 21 है, जबकि राफेल की अधिकतम स्पीड 2222 है। G20 कुछ ही घंटों में उड़ान भर सकता है, यानी G20 कुछ ही घंटों तक हवा में रह सकता है, 1-2 घंटे 3 घंटे, लेकिन राफेल लगातार 10 घंटे तक आसमान में उड़ सकता है और रिफ्यूलिंग का ऑप्शन भी राफेल के पास है। अपनी जमीन से ही दुश्मनों के घरों में हमला कर सकता है, ये राफेल के पास है, यानी विमान की खासियत है जो हमने आपको दिखाई। लेकिन चीन ने अपने G20 का गुणगान करने में इस कदर लगा है कि पूछे ही मत। लेकिन भारत के पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने 4.5 जनरेशन के राफेल को गेम चेंजर करार दे दिया है और कहा कि चीन का फाइटर जेट G20 इसके आसपास भी नहीं भटकता। धनोआ ने दो सवाल के साथ ही चीनी दावे का जवाब दिया है, मुझे नहीं लगता कि G20 इतना ट्रिकी है, उसे 5th जनरेशन फाइटर कहा जाए, ये लॉन्ग रेंज मेटोर मिसाइल की पकड़ में आ जाता है और यही मिसाइल हमारे राफेल में लगी है। धनोआ ने दूसरा सवाल का जवाब दिया, अगर G20 वाकई 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट हैं, जैसा कि इसका मैन्युफैक्चरर चेंगदू एरोस्पेस कहता है, तो ये सुपर क्रूज क्यों नहीं कह सकते, इसे सुपर क्रूज क्यों नहीं कह सकते, यानी समझा जा सकता है कि G20 के चिथड़े राफेल कुछ ही समय में उड़ा सकता है और यही डर है चीन को कि वो अपने नुमाइश करता घूम रहा है, वो लगातार अपनी खूबियां बता रहा है, G20 से कंपैरिजन कर रहा है, जबकि हर कोई जानता है कि राफेल बहुत जबरदस्त है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।